सकती है। तो हमको इस बात पर विशेष ध्यान देना है। जो एडोलेसेंट गर्ल है वो बहुत घबरा जाती हैं, उनको लगता है कि अंडेदानी में सिस्ट हो गई है। वो हमारे पास आती है रिपोर्ट के साथ कि मैडम देखो अंडेदानी में सिस्ट है और हमको नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा धीरावानी, डायरेक्टर एंड गायनेकोलॉजिस्ट वर्किंग इन जबलपुर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जबलपुर MP। सितंबर का महीना PCO अवेयरनेस का महीना है, अतः आज हम इस इम्पॉर्टेंट विषय पर कुछ चर्चा कर रहे हैं। PCO इज अ मेटाबॉलिक एंडोक्राइनोलॉजिकल डिसऑर्डर affecting 6-10% of women of reproductive age group. आजकल हम अपने रोज की क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये प्रॉब्लम बहुतायत से देख रहे हैं। हमें ये समझना है कि इसको डायग्नोज कैसे करना है और इसका कारण क्या है और इसका मैनेजमेंट क्या है। आइए अब इस विषय पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। उम्र के हर पड़ाव में PCOS अलग अलग तरह के प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यंग गर्ल में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, मुहासों का होना, चेहरे पे अनचाहे बाल का होना, गंजापन, गले के पीछे एक चमड़ी का मोटा होना जिसे कि हम एकंथोसिस नेग्रिकेंस कहते हैं, तथा मोटापा। शादी के बाद ये गर्भधारण में प्रॉब्लम क्रिएट करता है और जिसे कि इनफर्टिलिटी कहते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उन महिलाओं को जिनको PCOS होता है, डायबिटीज़, हृदय रोग का होना और गर्भाशय का कैंसर होना, इन सब की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इसका जो मैनेजमेंट है वो टेलर मेड होता है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि मरीज को क्या समस्या है और उसकी इलाज की आवश्यकता क्या है। जब हमारे पास कोई एडोलेसेंट गर्ल आती है तो उसकी जो मुख्य परेशानी होती है वो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी होती है। तो हमको इस बात पर विशेष ध्यान देना है। जो एडोलेसेंट गर्ल है वो बहुत घबरा जाती हैं, उनको लगता है कि अंडेदानी में सिस्ट हो गई है। वो हमारे पास आती है रिपोर्ट के साथ कि मैडम देखो अंडेदानी में सिस्ट है और हमको ऑपरेशन करना है। इस समय काउंसलिंग का बहुत बहुत अधिक महत्व है। उनको हमें ये समझाना पड़ेगा कि सिस्ट ऑपरेशन वाली नहीं है, ये जो फॉलिकल्स हर बार महावारी के समय बनते हैं वो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण रप्चर नहीं हो पाए हैं और अंडेदानी के किनारे पेरिफेरी में वो पर्ल नेकलेस के समान हमको दिखाई देते हैं, जो कि 12 से यदि अधिक हैं और अंडेदानी का वॉल्यूम सोनोग्राफिकली 10 ml स्क्वायर से ज़्यादा है, तब उसको हम PCOS बोलते हैं। स्पेशली उन लड़कियों को जिनका मेनार्की को 2 वर्ष हो चुके हैं। इमीजिएटली आफ्टर मेनार्की द नॉर्मल ओवरी ऑल्सो लुक्स लाइक अ PCO। तो इसकी डायग्नोसिस करना अत्यंत आवश्यक है। सोनोलॉजिस्ट को इस बात का पता होना चाहिए कि एडोलेसेंट गर्ल की नॉर्मल ओवरी भी कभी कभी PCOS जैसी दिख सकती है। तो यदि कोई एडोलेसेंट गर्ल आती है, द फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड वेट रिडक्शन। यह बोला गया है कि यदि यंग गर्ल अपना वजन रेगुलर एक्सरसाइजेस से, मॉडरेट एक्सरसाइज, डेली वॉक और बैलेंस डाइट से 5% कम करती हैं तो वो उनके मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम को ठीक करता है एंड इट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ द मेंसेस। तो द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड वेट मैनेजमेंट। यदि उम्र कम है तब यदि हम महिला किस लड़की को यदि पूरे साल में हम 4 या 5 बार विड्रॉल करके मेंसेस लाते हैं तब भी वो उसके लिए सफिशिएंट होता है और हमको इस बात की काउंसलिंग करनी है उससे। थोड़ी अधिक उम्र की लड़कियों में लो डोज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हेल्प करती हैं मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन में और हम ड्रोस्पेरिनोम और साइप्रोटेरॉन एसिटेट भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक तरह की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं जो कि मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन में हेल्प करती हैं। अब आते हैं हिर्सुटिज्म या अनचाहे बालों का होना। ये यदि लड़की को अनचाहे बाल हैं तो वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। एंटी एंड्रोजेनिक ड्रग्स, लो डोज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इसमें हेल्प करते हैं। इनको लंबे समय तक देने की आवश्यकता है
एक या दो वर्ष तक, तब बालों की ग्रोथ कम हो जाएगी, उनकी संख्या कम हो जाएगी और उनकी थिकनेस भी कम हो जाएगी, पर ये पूरी तरह से ठीक नहीं होते हैं। एंटी एंड्रोजेनिक ड्रग्स जो हैं वो टेरोटोजेनिक होते हैं, अर्थात गर्भस्थ शिशु को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस बात की जानकारी देना बहुत ज़रूरी है कि उस समय वो गर्भ धारण ना करें। कभी कभी हमको, कभी कभी नहीं, हम अधिकतर हमको इसके साथ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट का भी सहायता लेना पड़ती है, प्लकिंग, वैक्सीन या जिसको बोलते हैं ब्लीचिंग, पर ये बहुत उपयोगी नहीं है। लेज़र थेरेपी फॉर द रिमूवल ऑफ हेयर इज वेरी यूजफुल। यदि हम लेज़र थेरेपी को बार बार लेज़र थेरेपी को हार्मोनल थेरेपी से जोड़ देते हैं या दोनों का कंबाइंड थेरेपी देते हैं, तब वो हिर्सुटिज्म के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा सहायक होती है। अब हम आते हैं दूसरी परेशानियाँ, जैसे कि शादी के बाद गर्भधारण ना होना या इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट। इसमें भी वेट रिडक्शन इज द फर्स्ट लाइन। यदि महिला अपना वेट कम करती है तो अपने आप साइकिल्स ओवुलेटरी हो जाते हैं और उसको गर्भधारण में सहायता मिलती है। अदर ड्रग्स विच वी यूज फॉर द ओवुलेशन इंडक्शन आर क्लोमिफेन सिट्रेट, लेट्राजोल एंड GnRH एनालॉग। ये सारे ड्रग्स अंडे को बनने में सहायता देते हैं, उसको रप्चर करते हैं, और यदि हम पेशेंट की प्रॉपर काउंसलिंग करें और सोनोग्राफिकली मॉनिटर करें कि कब एग रप्चर होता है और टाइम्ड इंटरकोर्स एडवाइस करें, तो कंसेप्शन में हेल्प मिलती है। इंसुलिन सेंसिटाइजर ड्रग, क्योंकि PCO एक ऐसी स्टेट है जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है, तो मेटफॉर्मिन का यूज़ होता है जो कि इंसुलिन सेंसिटाइजर है। ये वेट रिडक्शन में हेल्प करता है और ये देखा गया है कि नॉर्मो ग्लाइसेमिक पेशेंट में ये हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करता है, तो इसका यूज़ यदि किया जाए, और ये इसका यूज़ प्रेगनेंसी में भी सेफ है, तो ये भी PCO मैनेजमेंट में हेल्प करता है। रीसेंट स्टडीज़ में ये देखा गया है कि मायोएनिसेटॉल भी इंसुलिन सेंसिटाइजर है और ये भी PCOS पेशेंट्स में के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। अब हम आते हैं उम्र के दूसरे पड़ाव में। ये जो PCOS की महिलाएं रहती हैं, इनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमको ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी रहता है, बिकॉज दे आर प्रोन फॉर डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़। तो हमको ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट करवाना है, उनको एडवाइस देना है कि वो स्वीट रिस्ट्रिक्ट करें, बराबर वॉक करें और उनका वेट गेन बहुत ज़्यादा ना हो। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फैमिली भी उनका हर साल शुगर मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, सो वी कैन पिकअप द अर्ली पिकअप होता है डायबिटीज़ मेलाइटिस का। ये पेशेंट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए भी प्रोन रहते हैं, तो यदि कोई हिस्ट्री है या ये ओबीज़ हैं, तो उनका हमको कार्डियोवैस्कुलर रिस्क स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन पेशेंट को जनरली एनोविलेशन रहता है, एमेनोरिया रहता है, जिसके कारण कि दे आर मोर प्रोन फॉर एंडोमेट्रियल कैंसर। तो इनको हम काउंसलिंग करके यदि पूरे साल में 4 या 5 बार प्रोजेस्टेरोन के द्वारा विड्रॉल देते हैं, तब भी इनका जो एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क रहता है उसको हम कम कर सकते हैं। वो मरीज जो कि बहुत ज़्यादा मोटे रहते हैं, जिनका कि BMI 35 से 40 रहता है, उनको हम बेरेटिक सर्जरी भी ऑफर कर सकते हैं या वेट रिडक्शन के लिए कुछ ड्रग्स भी दे सकते हैं जिससे उनका वजन कम हो, उनको कंसेप्शन अच्छे से और जल्दी हो, और जो बाकी रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और एंडोमेट्रियल कैंसर, इनका रिस्क भी इसमें कम हो जाता है। तो हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि PCO जो है वो एक ऐसी बीमारी है जिसको कि यदि हम मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच करें, एक गायनेकोलॉजिस्ट हो, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हो, साइकेट्रिस्ट हो, बिकॉज दे आर मोर फ्रॉम प्रोन फॉर एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, और उसके अलावा डाइटिशियन, यदि ये सब लोग मिलके प्रॉपर काउंसलिंग करें, प्रॉपर इलाज करें और प्रॉपर फॉलोअप करें, तो हम पेशेंट की बहुत बहुत सहायता कर सकते हैं और उसको इसके साथ किस तरह से अच्छे से जीना ये सिखा सकते हैं। धन्यवाद।